राइट हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सर आपने ये देखा है क्या? क्या भाई? सो टैटू कन्वेंशन इज़ अ प्लेस जहाँ पे टैटू एंथुजियास्ट जो लोग टैटू से प्यार करते हैं और टैटू प्रैक्टिशनर्स जो कि टैटू आर्टिस्ट होते हैं वो आपस में मिलते हैं। इट इज़ अ नॉर्मली अ 2 to 3 डे इवेंट जहाँ पे आप लोग टैटूज़ बनवा सकते हो, आप टैटू से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हो जैसे कि टैटू सप्लाइज, टी शर्ट्स, अपैरल्स या फिर मग्स, कुछ भी जो कि टैटू इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और साथ ही साथ वहाँ पे म्यूजिकल परफॉर्मेंसेज भी होती हैं या फिर और भी परफॉर्मेंसेज जो कि आर्ट से रिलेटेड होती हैं। सो इंडिया हैड इट्स फर्स्ट कन्वेंशन इन द ईयर ऑफ 2011। फरीदाबाद के अंदर ये कन्वेंशन हुई थी और इस कन्वेंशन का नाम था इंडिया इंटरनेशनल टैटू कन्वेंशन। और इस कन्वेंशन के बाद से काफ़ी सारी कन्वेंशंस इंडिया के अंदर हुई हैं, जैसे कि दिल्ली के अंदर हार्टवर्क टैटू कन्वेंशन जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, उसके अलावा कोलकाता टैटू फेस्टिवल, गुवाहाटी टैटू फेस्टिवल, मुंबई टैटू कन्वेंशन, गोवा टैटू कन्वेंशन और अभी रिसेंटली एक कन्वेंशन हुई थी आर्ट बी टैटू फेस्टिवल के नाम से। नाउ इनमें से कुछ कन्वेंशन हैं जो कि सिर्फ एक या दो बार हुई, लेकिन कुछ ऐसी कन्वेंशन भी हैं जो कि कॉन्जेक्यूटिवली काफ़ी सालों तक चली, जैसे कि द फेमस हार्टवर्क टैटू फेस्टिवल। नाउ अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड टैटू इवेंट्स जो कि एक वेबसाइट है जहाँ पे सारे ऑर्गेनाइजर्स अपनी कन्वेंशन को रजिस्टर करते हैं एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, वहाँ पे इंडिया की अभी तक सिर्फ 12 कन्वेंशंस रजिस्टर्ड हैं। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इंडिया में कहीं ज़्यादा कन्वेंशंस हुई हैं। वी हैड कॉन्सिक्यूटिवली 6 कन्वेंशंस फ्रॉम द गोवा टैटू फेस्टिवल, 5 ऑफ द हार्टवर्क टैटू फेस्टिवल, 5 ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल टैटू फेस्टिवल हैपेंड इन गुवाहाटी, सिक्किम एंड कोलकाता। सो आप देख सकते हो, तो अगर मैं बोलूँ तो मैक्सिमम हम लोगों ने अभी तक 30 to 40 कन्वेंशंस ही ऑर्गेनाइज करी हैं ऑन अ इंटरनेशनल एंड अ डोमेस्टिक लेवल। बट अगर इसी चीज़ को हम कंपेयर करते हैं यूएसए की 374 कन्वेंशंस दैट आर रजिस्टर्ड ओनली इन द ईयर 2022 या फिर न्यूयॉर्क की 19 कन्वेंशंस या फिर स्पेन की 17 कन्वेंशंस, तो आप देख सकते हो कि इंडिया की अभी तक की पिछले 10 सालों की कन्वेंशंस कितने कम नंबर्स की है इफ कंपेयर्ड ग्लोबली। और अगर आप कंपेयर करोगे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ जो कि थाईलैंड, इंडोनेशिया, तो उसके कंपैरेटिवली इंडिया में बहुत कम कन्वेंशंस हैं। एंड इन ऑर्डर टू हैव अ सक्सेसफुल टैटू कन्वेंशन, ताकि अगले साल दोबारा कन्वेंशन करी जा सके, कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑर्गेनाइजर्स रेपुटेशन, ऑर्गेनाइजर्स इन्वेस्टमेंट कि वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कन्वेंशन के अंदर, स्पॉन्सर की क्या रेपुटेशन है, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि रेड बुल या फिर मॉन्स्टर ये लोग भी स्पॉन्सर करते हैं, तो उनकी क्या रेपुटेशन है, स्पॉन्सर्स कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आर्टिस्ट का क्या लाइनअप है, कितने अच्छे आर्टिस्ट आ रहे हैं, कितने इंटरनेशनल आर्टिस्ट आ रहे हैं, सप्लायर्स का क्या लाइनअप है, जजेस का क्या लाइनअप है, बाकी के जो वेंडर्स हैं उन लोगों ने क्या क्या इन्वेस्टमेंट करी है और उनका क्या लाइनअप है, क्या परफॉर्मेंसेस उस कन्वेंशन में हो रही हैं, फॉर एग्जांपल म्यूजिक परफॉर्मेंसेस, कॉमेडी परफॉर्मेंसेस या फिर कोई भी आर्ट से रिलेटेड चीज, और इसके अलावा भी कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं। सो द मनी कलेक्टेड थ्रू बाय सेलिंग ऑल द बूथ्स, कॉम्पिटिशन या फिर स्पॉन्सर से जितना भी पैसा आया है, इन सब चीज़ों का जो भी टोटल अमाउंट है वो आपके एक्सपेंसेस से ज़्यादा होना चाहिए, और तभी बोल सकते हो कि जो कंपनी है जो कि कन्वेंशन करा रही है या जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको प्रॉफिट हुआ है। और अगर प्रॉफिट होगा तभी चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट ईयर वो कन्वेंशन करेंगे, बिकॉज आप इमोशनल होकर एक बार कन्वेंशन कर सकते हो, दो बार कर सकते हो, कम्युनिटी के लिए 2 या 3 बार कन्वेंशन कर सकते हो, बट उसको कंसेक्यूटिवली करने के लिए आपको भी प्रॉफिट चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है कन्वेंशन को करने के लिए। सो जब मेरी बात मिस्टर अरविंद से हुई जो कि वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स हैं हार्टवर्क टैटू फेस्टिवल के, तो उन्होंने मुझे समझाया कि किस तरीके से जो गूरमे रेस्टोरेंट्स होते हैं, जो स्पेशल डाइनिंग रेस्टोरेंट्स होते हैं किसी भी मॉल के अंदर, उनका रेवेन्यू इतना ज़्यादा नहीं होता जितना ज़्यादा रेवेन्यू फूड कोर्ट के रेस्टोरेंट्स का होता है, बिकॉज इंडिया के अंदर जो ऑथेंटिक चीज़ होती है उसको ज़्यादा एक्सपेंसिव अगर होगी तो लोग ज़्यादा नहीं प्रेफर करते, रादर देन मैकडोनल्ड्स का जो सस्ता बर्गर होगा उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और इसी वजह से जो इंडियन मार्केट है या इंडियन ऑडियंस है वो उतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं हुई है इफ़ आई कंपेयर इट टू बैक देन 1950s के अंदर, जितना ज़्यादा यूएसए की मार्केट मैच्योर थी। 1950s के आसपास ही बूम पे थे टैटू इंडस्ट्री यूएसए के अंदर, और जबकि अगर मैं आज की भी बात करूं इंडियन टैटू इंडस्ट्री अभी भी बूम पे नहीं है। और इसी बारे में जब मेरी बात हुई मिस्टर लोकेश वर्मा से, हु इज़ वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द हार्टवर्क टैटू फेस्टिवल एंड ऑल्सो द ओनर ऑफ डेविल्स टैटू, सो दिस इज वॉट ही हैड टू से। सो द टॉपिक ऑफ माई वीडियो वॉज कि इतनी कम कन्वेंशन की होती हैं इंडिया के अंदर। आई मीन अगर मैं कंपेयर करूँ इटली के साथ या यूएस के साथ जहाँ पे हंड्रेड्स के नंबर के अंदर कन्वेंशन होती हैं, तो मैंने थोड़ा सा अपना एनालिटिक्स किया और मैंने कुछ रिजल्ट निकाला कि ये रीजंस हो सकती हैं। बट इट इज़ बेटर टू आस्क यू एज अ ऑर्गेनाइजर ऑफ हार्टवर्क कि क्यों इतनी कम होती हैं कन्वेंशन। सी इंडिया में लोग जो काम करते हैं मोस्टली प्रॉफिट के लिए करते हैं, है ना, कोई चैरिटी के लिए ज़्यादा नहीं करते।
कन्वेंशन इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, एटलीस्ट फॉर अस. हम लोगों ने जितनी भी कन्वेंशन की है आज तक 5 साल में, वी हैव नॉट अर्न अ सिंगल रुपी. In 5 years, every year we lose about 20 lakhs each. So collectively, we have lost 1 crore rupees in the conventions, which sounds unbelievable. But if you look at the, हमारा जो production level होता है, standard, international standard, पूरा हम लोग maintain करके रखते हैं. Everything, acts like Parikrama या best acts हम लोग you know अपने convention में showcase करते हैं. Best artists, every convention. Every single convention have like the top names. World ke best names have come to India in hard work only. So ये सब करने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है. और हमारा earning क्या होती है? Booths, only booths. Supposedly 30,000 का एक booth है और 100 booths हैं. तो 100 में से हम 70-80 sell करते हैं. 20 लाख रुपए का वो simple सा maths मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ से. पब्लिक इतनी यहाँ पे आती है नहीं फेस्टिवल में, सिर्फ टाटू आर्टिस्ट या टाटू कम्युनिटी होती है. उनको फ्री पासेज से मिल ही जाते हैं या किसी के साथ वो बूथ वाले के साथ होते हैं, तो टिकट कोई खरीदता नहीं है. तो 3 दिन में हम 1 लाख रुपए भी गेट से नहीं कमाते. दैट इज ऑल आवर रेवेन्यू. कोई स्पॉन्सर किसी ने कर दिया इंटेंस या किसी कंपनी ने हर साल, तो थोड़ा बहुत वहां से आ जाता है. बट आवर प्रोडक्शन कॉस्ट इटसेल्फ, सिर्फ जैसे इंदिरा गांधी स्टेडियम था उसका एक दिन का रेंट 5 लाख है. और आपको 4 दिन के लिए लेना पड़ता है, वो 1 दिन पहले भी लेना पड़ता है जिस दिन आप पूरा सेटअप करोगे. और अगर आप लेट हो गए 12 बजे तक, आपने सब कुछ नहीं हटाया, तो वो नेक्स्ट डे का भी रेंट ले लेते हैं. तो 20-25 लाख रुपए सिर्फ वेन्यू का कॉस्ट होता है. देन जस्ट द वेन्यू, बट स्टेज, साउंड, माइक, सारे बूथ्स जो बन रहे हैं, इन सब का अलग 30-40 लाख रुपए कॉस्ट होता है. तो 60-70 लाख रुपीज कॉस्टिंग. और इंटरनेशनल आर्टिस्ट की फ्लाइट, टिकट्स, होटल्स, बिजनेस क्लास for people like Paul Booth, Steve Butcher. ये सब करके बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है. सो बेसिकली इट्स नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस. और इंडिया में लोग करते हैं प्रॉफिट के लिए सारे काम. तो आपने देखा होगा कई कन्वेंशन शुरू हुई और बंद हो गई बिकॉज दे वर नॉट मेकिंग प्रॉफिट. बट वी डिड नॉट कम इन टू दिस प्रोफेशन फॉर इन दिस कन्वेंशन बिजनेस फॉर प्रॉफिट. Was not a business for us. हम लोगों को करना था इंडिया का नाम, क्योंकि इंडिया में एक भी कन्वेंशन नहीं थी. यूएस में हर वीकेंड पे ऑलमोस्ट एक कन्वेंशन, नॉट एक, 2-3 कन्वेंशन हो रही होती हैं साल में. 365 से ज्यादा कन्वेंशन है वहाँ पे. सो इंडिया में एक भी नहीं थी. और हमको करना था कि यू नो इंडिया शुड ऑल्सो बी नोन फॉर गुड आर्टिस्ट. यहाँ के आर्टिस्ट का काम शोकेस हो और यहाँ के आर्टिस्ट देखें कि बाहर से जो आर्टिस्ट आ रहे हैं वो सेमिनार उनका लें, या आर्टिस्ट लाइक पॉल बूथ, अनिल गुप्ता, उनको टैटू करते हुए देखें, उनसे सीखें. तो बेसिकली अवेयरनेस वाज आवर मेन पर्पस जिसके लिए हमने कन्वेंशन शुरू किया था. तो मतलब मेन आपका जो पॉइंट तक क्यों नहीं होता, प्रॉफिट की वजह से नहीं होता, बिकॉज इट्स इफ यू डू इट एट अ स्मॉल स्केल तो इतने लोग आते नहीं है. और ज्यादा बड़े स्केल पे इतना ज्यादा खर्चा है कि फिर वो आप तो रिकवर नहीं कर पाते हो अपने प्रॉफिट्स, लॉसेस में ही रहते हैं. और मेरा सेकेंड रीजन था आई वॉन्ट टू एजुकेट द क्लाइंट्स. टैटू के फील्ड में इलिटरेसी काफी है, मतलब आर्टिस्ट को भी नहीं पता है हाइजीन मेजर्स, स्टैंडर्ड्स, और क्लाइंट्स को तो कुछ पता है नहीं. क्लाइंट्स को तो मेले वाला ही लगता है टैटू, या फिर एकदम मेले वाला लगता है, या फिर लगता है कि एकदम ही कुछ एलेंक टाइप का. बिल्कुल एलेंक, उनको सीधा या तो एलेंक पता है या फिर उनको मेले एलेंक या मायामी के, या तो इतना हाई फाई और इंटरनेशनल लेवल पे रॉक स्टार्स की तरह है, वो एक वो लेवल है, और एक दूसरा एकदम मेले वाला है. तो बीच वाला जो मिडिल क्लास है उनको इतना कंफर्टेबल नहीं था. सो जस्ट टू एजुकेट द क्लाइंट्स वी स्टार्टेड डूइंग इट एट दीज वेन्यूज लाइक यू नो आउटसाइड द मॉल्स और इन अ स्टेडियम, सो दैट पीपल, अंसल प्लाजा जैसी जगह पे हमने किया, ताकि लोगों को पता चले 100 लोग टाटू कर रहे हैं, 100 लोग करवा रहे हैं. तो जब वो एक टाटू स्टूडियो में कोई ऐसे ही नहीं घुसता है क्लाइंट जिसको इंटरेस्ट नहीं है, मतलब वो क्यों जाएगा. वैसे भी टैटू स्टूडियो देख के लोग इजीली जाते नहीं है. बट अगर एक पब्लिक इवेंट हो रहा है जिसमें यू नो म्यूजिक है, फूड, फन, एवरीथिंग इज देयर, सो पीपल माइट विजिट एंड दे माइट बिकम कंफर्टेबल विद द आइडिया ऑफ टैटूज के हाँ ये तो हमारी तरह ही लोग हैं जो करवा रहे हैं, कुछ एलियन अलग चीज नहीं है, अलग से नहीं है. राइट, मैं नहीं बोल सकता कि हार्टवर्क वाज अ टैटू कन्वेंशन और अ म्यूजिक फेस्टिवल, बिकॉज आप लोगों ने इक्वल इंपॉर्टेंस दिया था दोनों चीजों को. ऐसा नहीं है कि टैटू ही इंपॉर्टेंट था, आपने म्यूजिक को भी दिया था इंपॉर्टेंस. So definitely उसमें भी बहुत ज्यादा पैसा लगा था.
म्यूजिक हो गया, सब कल्चर्स जितने भी हैं विच आर नॉट प्रमोटेड नॉर्मली बाय मास मीडिया लाइक स्केटबोर्डिंग यू नो बी बॉइंग एंड ऑल दीज डांस ग्रुप्स वी इनवाइट ऑल ऑफ देम बाइकर्स वी इनवाइट आई रिमेम्बर मैं कोलकाता कन्वेंशन में गया था आई गेस आप भी थे उस टाइम पे साथ में और वहां पे ड्यूक और केटीएम वालों ने बाइक स्टंट्स वगैरह किए थे तो आई फील उसमें भी बहुत ज्यादा पैसा लगता है हाँ मतलब इफ यू आर इनवाइटिंग अ ग्रुप टू परफॉर्म अ यू नो शो फॉर यू ऑफ कोर्स दे विल चार्ज 50,000 टू 1 लाख टू 1.5 लाख डिपेंडिंग ऑन देयर यू नो व्हाटएवर दे चार्ज सो हर चीज में पैसा लगता है और इंडिया में मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो बूथ को ही लेना नहीं चाहता हर कोई चाहता है कि उनको फ्री इन्विटेशन मिले और जो भी मतलब इंडिया में थोड़े से कुछ जो अच्छा काम कर रहे हैं आर्टिस्ट्स दे वी डोंट गेट द सपोर्ट फ्रॉम अ लॉट ऑफ देम मोस्ट ऑफ देम आई वुड से कुछ लोग हैं आप हो जैसे आप ऋषभ है काफी लोग हैं जो हमेशा सपोर्ट करते हैं आते हैं वो नहीं भी ऋषभ यहाँ पे होता है तो बोलता है मैं अपनी टीम को भेज दूंगा कुछ साल वो नहीं आ पाया था सम ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स न्यू स्टूडियो ऑल बट या देर आर सम पीपल हु सपोर्ट बट मैक्सिमम ऑफ द पीपल यू नो जो इंडिया में जाने माने नाम है वो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं फेसबुक पे तो हर कोई लिख देता है यस वी विल सपोर्ट यू बट जब रियल टाइम आता है तो आपके साथ में कोई नहीं होता है उस टाइम खड़ा हुआ सारा खर्चा आपका होता है और कोई वो आना भी चाहते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं डिस्काउंट क्या मिलेगा बूथ पे या फिर पहले तो फ्री एक्सपेक्ट करते हैं तो मतलब ये फीजिबल सस्टेनेबल नहीं लगा मुझे ऐसा करना मैंने किसी का सेमिनार के लिए लिखा था कि हू यू नो वी आर कॉलिंग दिस पर्सन फॉर सेमिनार और कितने लोग आएंगे And I specifically mentioned that people who are genuinely interested only and who will come should write yes, because then pura budget us artist ka flight hotel ye sab us pe depend karta hai aapke post pe. So I think I got 150, 120, 30 aise comments, 100 se upar comments aaye the. Hum aayenge. 20 registration nahi hue us artist ke liye, so we had to cancel. Oh yeah. And I personally I think it was Jimmy Mahood. इन द अंसल प्लाजा वाला बिकॉज आई इवन रजिस्टर्ड फॉर दैट और वो हो नहीं पाया था आपने किया था रजिस्टर मतलब हमको जो मिनिमम वो वेन्यू जब हम लेते हैं सेमिनार के लिए तो होटल भी चार्ज करता है फिर हम आपको लंच डिनर ब्रेकफास्ट दो मील्स देते हैं दो बार टी कॉफी स्नैक्स देते हैं सो एवरीथिंग कॉस्ट बट हमारा वो वेन्यू का कॉस्ट ही कवर नहीं हो रहा था इंडिया हैबिटेट सेंटर में वी वर प्लानिंग टू डू दैट एंड देन वी कैंसल्ड वी हैड टू कैंसल हर सेमिनार बिकॉज उस टाइम तो हर कोई लिख देगा हाँ हाँ हम आएंगे बट आता कोई नहीं है सो इंडिया में मतलब कन्वेंशन में भी आना चाहते हैं तो लोग सिर्फ पॉल बूथ या इंटरनेशनल आर्टिस्ट ही मुझे फोटो खिंचवाने आना चाहते हैं ना वो टैटू करवाना चाहते हैं उनसे ना उनको उनका काम देखने से मतलब है मे बी कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं जो खड़े रहते हैं बट 95% ऑफ द पीपल दे जस्ट वांट अ पिक्चर कि मेरा फेसबुक पे इसके साथ फोटो लग जाए बस इसके लिए स्टूडियो में भी फ्रेम हो जाता है राइट हाँ स्टूडियो में फ्रेम करके लगा देंगे और उनका यही है कि सो दिस इज द थिंग लोगों के की इतनी अवेयरनेस नहीं है कि कन्वेंशन एक कंसिस्टेंटली एक कन्वेंशन अच्छे लेवल पे हर साल चलनी चाहिए हमको सपोर्ट करना चाहिए लोगों का सपोर्ट इतनी पॉपुलेशन हमारे इतने आर्टिस्ट हैं एवरी कन्वेंशन इन द वर्ल्ड इज मेकिंग प्रॉफिट मोस्ट ऑफ देम बट वी डोंट गेट द बेयर मिनिमम 100-150 आर्टिस्ट ही नहीं मिलता है उसके बाद इतना बड़े लेवल पे हम लोग कर रहे हैं हम छोटे से एक मैरिज हॉल में तो कर नहीं सकते हैं राइट सो दैट इज व्हाई आई थिंक इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कैन चेंज डू यू थिंक इट कैन चेंज आई डोंट सी इट चेंजिंग इन द नेक्स्ट 20 इयर्स हां बट इंडिया में वही है यार लोगों का माइंडसेट यू कैन नॉट चेंज मतलब यू कैन चेंज योरसेल्फ यू कैन चेंज फ्यू ऑफ योर फ्रेंड्स बट इतना हमको मास में कन्वेंशन के लिए जैसे लोग चाहिए या फिर लोगों का माइंडसेट जो चेंज करना है वो इंडिया में टाइम के साथ ही आएगा वी आर 50 इयर्स बिहाइंड यूएस अभी आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लो स्टैंड अप कॉमेडी लास्ट 5-10 साल से शुरू हुआ है इंडिया में राइट एंड यूएस इट स्टार्टेड इन 65 और 69 70s '70s वाज द फर्स्ट ओनली स्टैंड अप क्लब्स इन न्यूयॉर्क एंड देन आई रिमेंबर जब इंडिया में स्टैंड अप कॉमेडी होती भी नहीं थी तब भी आई रिमेंबर देयर वाज अ फैटी गाय फ्लफी नाम है उसका इफ यू रिमेंबर हिम वो इंडियंस की कॉमेडी करता था एंड पीपल यूज्ड टू लाफ एट हिम बट नाउ यस डेफिनेटली एज यू आर सेइंग कि 5-10 साल के 5 साल में रादर ये चीज बहुत ज्यादा फेमस हुई है बट आई एम टेलिंग यू लाइक मेटल बैंड्स इफ यू सी इन यूएस इट स्टार्टेड आफ्टर द हिप्पी रेवोल्यूशन आफ्टर द 60s 70s से पिंक फ्लॉयड और ये सब शुरू हो गए थे सो दिस ऑल्टरनेट्स यू नो
काइंड ऑफ इंडी म्यूजिक, ये सब इंडिया में भी लास्ट 10 साल से हो रहा है. कोई भी चीज ले लो आप. चलो चलो एक बार को जस्ट माय पॉइंट ऑफ सेइंग दिस इज इंडिया इज 50 इयर्स बिहाइंड द यूएस. तो यूएस में कन्वेंशन, यूएस में टैटू आर्टिस्ट 60s और 70s से, 50s से थे, 40s से भी थे, 30s से भी थे, सेलर जेरी एंड ऑल. और इंडिया में मतलब अगर हम देखें शुरू कब हुआ है, 2000s में 95 97 में भी 99 में समीर वाज द फर्स्ट आर्टिस्ट आफ्टर डॉक्टर कोहिया. तो 2000 अगर आप लगाओ और वहां पे यूएस में 50 60 70s में तो वहां पे मेनस्ट्रीम था टैटूइंग. सो वी आर 40 साल तो ऐसे ही पीछे हो गए. हां तो हमेशा पीछे हैं. तो अगले 40 50 साल बाद व्हेन वी विल रिटायर प्रोबेबली देयर विल बी द नेक्स्ट जनरेशन विल वेलकम इट इन अ मच बेटर वे एंड इट विल नॉट बी लाइक समथिंग डिफरेंट लाइक अ टैबू और समथिंग टू. अच्छा एक बार को अगर मैं यूएस को साइड भी कर दूं और मैं कंपेयर करूं साउथ एशियन कंट्रीज के साथ जो लाइक इंडोनेशिया थाईलैंड वगैरह से, तो वहां पे भी सब लोग अप्रिशिएट करते हैं. ये इंडिया में ही ऐसा है लाइक इफ यू हैव बीन टू थाईलैंड या फिर मैं एक बाली टैटू कन्वेंशन में गया था अभी मैं थाईलैंड सिंगापुर तो आप बहुत तब भी ज्यादा बोल रहे हो. नेपाल का सीन इज मच बेटर देन इंडिया राइट. जो क्योंकि जो मोहन सर की कन्वेंशन होती थी दैट वाज आल्सो लाइक आप कंपेयर कर सकते हो हार्डवर्क के साथ. Yeah, I have been to so many conventions. I enjoy Nepal convention more than any others. एक तो kind of artist, the artist. Plus वो जगह भी अलग है, अच्छी जगह. Plus वहाँ पे जो artists हैं, most important जो है वहाँ पे factor. The artists are artists from heart. They are not because के उनको Facebook पे tattoo artist लिखना है और सिर्फ ओम या फिर नाम लिखने हैं और हो गया tattoo. They are real artists. They do full sleeve, full backs, free hand. हमारे इंडिया में कितने लोग करते हैं? Barely any. And they don't charge that much also. And they, because they're not doing it for money. Yeah. India mein toh paise kamane ka main hai, first. Secondly, art se koi matlab hai nahi zyada. Ek naam likhna aa gaya toh aap tattoo artist ban gaye India mein. Aur logon ko bhi lagta hai, padosi ko, mummy ko, ke hamara beta tattoo artist hai. But it's not, but it is not what a real tattoo artist is. So India mein mostly show off ke liye cheezein hoti hain. कि हम बन गए हैं फर्स्ट थिंग. सेकेंडली आर्ट को इतना प्रमोट किया नहीं जाता है जैसे नेपाल में है. यू नो दे आर डूइंग देयर ओन ट्रेडिशनल आर्ट. तो इंडिया वाले अपने इंडियन आर्ट को कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किसी और तरह की आर्ट को भी नहीं दे रहे हैं. और जो टाटू कर भी रहा है वो बोल रहे हैं क्या टाटू तो कर रहा है, किस चीज के पैसे दें, इतना क्या. एवरीथिंग इज इम्पोर्टेड, एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव, प्लस स्टूडियो का रेंट, प्लस एंड ऑफ द डे यू आल्सो इफ यू डू अ बिजनेस यू नीड एटलीस्ट 30% प्रॉफिट इन एवरीथिंग. सो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि क्यों इंडिया में इतनी ज़्यादा कन्वेंशंस नहीं हो पा रही हैं और इस चीज़ को लेकर हमें क्या करना चाहिए. आई फील हम लोगों को एक कम्युनिटी बनकर इंडिया में जितनी भी कन्वेंशंस हो रही हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, वहाँ पे बूथ लेना चाहिए, नेवरदलेस उनको विजिट करना चाहिए और साथ ही साथ अपनी ऑडियंस को जो कि हमारे क्लाइंट्स हैं उनको एजुकेट करना चाहिए अबाउट टैटू कन्वेंशंस एंड इंडियन टैटू इंडस्ट्री. तभी शायद कुछ सालों के बाद जाके हमारी कन्वेंशंस भी उसी नंबर्स पे हो पाएंगी जो कि यूएस में या फिर किसी और कंट्री में होती हैं. सो आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो एंड अगर आपका कुछ भी व्यू पॉइंट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून गाइज़.